दोस्तों, अगर आपका भी YouTube चैनल का वीडियो कोई और यूज़ कर रहा है, यानी कि आपका YouTube चैनल का कोई भी वीडियो कोई और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और आप जो है उससे बोल रहे हैं कि भाई डिलीट कर दो वीडियो को, और डिलीट नहीं कर रहा है, तो आप उस वीडियो को खुद से डिलीट कर सकते हैं और साथ में उसके चैनल पे स्ट्राइक भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि 3 से अधिक जब कॉपीराइट स्ट्राइक किसी के चैनल पे आ जाता है तो जो है उसका चैनल डिलीट हो जाता है। तो अगर आपका कोई वीडियो जो है 3 वीडियो से ज़्यादा अपलोड किया है और जो है आप उससे बात कर रहे हैं और डिलीट नहीं कर रहा है, तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक देकर उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं और साथ में उस चैनल का भी, मतलब साथ में उस चैनल को भी डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरमान राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरमान राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि किसी के भी चैनल पर कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिएगा जो आपका वीडियो यूज किया है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो है आप यह प्रोसेसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, वो लॉगिन करके, और सेम प्रोसेस जैसे जो हम बताएंगे वैसे वैसे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हमारा वीडियो है जो कि सुपर फिल्म्स चैनल का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंथ पहले का जो है अपलोड है, और यहाँ पे हम अपलोड डेट दिखा देते हैं, मार्च 18 को, ठीक है, जो है 2023 को अपलोड है, जिसपे जो है 1 लाख+ व्यू है। और इसी वीडियो को जो है यहाँ पे किसी चैनल ने अपलोड किया है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जिसपे ये भी 1 मंथ पहले अपलोड है, लेकिन यहाँ पे 22 मार्च को जो है ये अपलोड किया है। वो जो है 18 मार्च को और हम अपलोड किए हैं, और ये जो है 22 मार्च को अपलोड किया है। ठीक है, तो इनसे हम बात किए हैं, ये हमारे वीडियो को डिलीट नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो से जो है हमको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ परेशानी हो रहा है और ये डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो अब हम उनको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है 2 तरीका है कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने चैनल में आना है। ठीक है, यहाँ पे चैनल का जो है डैशबोर्ड में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे करके देखना है। ठीक है, नीचे करना है, यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कॉपीराइट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी दिखा देगा आपका कौन कौन वीडियो कॉपी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा जो है वीडियो जो जो कॉपी किए हैं वो टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है हम चाहेंगे तो यहाँ से भी कॉपीराइट स्ट्राइक डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप भी मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहते हैं तो यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ से कैसे दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वेट करना है। जब वेट कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ये जो है फॉर्म का जो ऑप्शन रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिक एड हो गया है, और आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो है टोटल फिल करना है, फॉर्म जो है यहाँ पे भरने का दे रहा है, टोटल फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फिल भी है दोस्तों, यहाँ पे जो हम पहले से फिल किए हैं यहाँ पे सब चीज फिल है, तो आप यहाँ पे जो बाकी वो फिल करके यहां पे आप डायरेक्ट स्ट्राइक दे सकते हैं। बट यहां पे आपको जो है यहां पे अगर शो नहीं कर रहा है, कॉपीराइट का जो है मैच टूल दिया है उसमें शो नहीं कर रहा है, तो फिर आप कैसे कॉपीराइट दीजिएगा। तो आपको जो है यहां पे आना है, जो भी वीडियो को कॉपीराइट देना है, जैसे कि इस वीडियो पे हमें कॉपीराइट मारना है तो कॉपीराइट देकर इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। जब रिपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वेट करना है, इन्फ्रिंजेस माई राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, सबसे लास्ट में जो है ऊपर है एक नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे च्वाइस ऑन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट इशू पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे कर दिए। उसके बाद देखिए हमारा जो है एक न्यू टैब खुल गया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है सबमिट ए कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे करना है, थोड़ा सा नीचे खींचिएगा तो सेम जो है यहाँ पे, सॉरी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया है, यहाँ पे लिख रहा है क्लिक दिस बटन गो टू द वेब फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सबमिट ए कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लोडिंग लेगा और फिर से एक जो है न्यू
फॉर्म का जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, न्यू टैब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बफरिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके नेट के जो है स्पीड से यह दिखाता है, जितना स्पीड होगा उतना फास्ट आपका जो है काम भी होगा। तो यहाँ पे हम कुछ वेट करते हैं, देखिए हमारा जो है सेम जो वहाँ से हम ओपन किए थे रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल, वो सेम फॉर्म यहाँ पे आ गया। बट इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा है एड ए वीडियो, तो यहाँ पे हमें जो है वीडियो एड करना होगा, लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिक एड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एड करने के लिए आपको यहाँ पे एड ए वीडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट वर्क ऑफ वर्क सॉरी टाइप ऑफ वर्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है और ओरिजिनल सॉन्ग है सॉफ्टवेयर है या जो भी है, यहाँ पे आप हमारा जो है वीडियो है टोटल वीडियो ही है, तो यहाँ पे हम वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी का ऑप्शन जो दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम अनदर यूट्यूब चैनल आई लीगली रिप्रेजेंट, यानी कि आपका यूट्यूब चैनल का वीडियो जो है कोई और यूट्यूब चैनल अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है माय वीडियो यूआरएल, यानी कि आपका जो वीडियो है ओरिजिनल उस वीडियो का यहाँ पे लिंक डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीडियो टाइटल, जो भी आपका वीडियो होगा उसका जो है यहाँ पे लिंक और यहाँ पे टाइटल डालना है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो है, देख लीजिएगा आपका जो वीडियो है उसी का लिंक दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लेने के लिए यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, और आपको जो यहाँ पे कॉपी लिंक का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका वीडियो का टाइटल होगा टोटल को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो का टाइटल जो दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे मतलब डाल देना, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ द यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद इंटर वीडियो यानी कि आपका वीडियो कितना से कितना कॉपी किया है, यहाँ पे टाइम एस्ट पे क्लिक करके वो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इंटर वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा पूरा ही वीडियो अपलोड किया है तो पूरा पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूट्यूब यू आर एल ऑफ वीडियो टू बी रिमूवेड, यानी कि जो भी आपका वीडियो कॉपी किया है उसको रिमूव करवाना चाहते हैं उसका यहाँ पे लिंक दीजिए। तो ये जो है हमारा ये वीडियो कॉपी किए हैं एक बार अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो उनका जो है लिंक दे दीजिएगा उस माई वीडियो में जो है रिक्वेस्ट रिमूव करने वाले में अपना वीडियो दे दीजिएगा लिंक, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, आपको जो है अपना वीडियो का लिंक इसमें देना है, उसके बाद जो भी वीडियो रिमूव करवाना चाहते हैं उनका लिंक यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर लिख रहा है लोकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इंटर वीडियो, यहाँ पे कस्टम थंबनेल अगर यूज किया है तो थंबनेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंटर वीडियो क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए दे रहा है एड टू लिस्ट, ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे एड टू लिस्ट कर देना है। जब यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये हमारा जो है एड हो गया, जैसे कि वहाँ पे एड हो कर आया था, और यहाँ पे ऐसे आप अपने से खुद से एड कर सकते हैं। ये एड करने के बाद बाकी जो है यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फिल करना है हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम पहले कॉपीराइट स्ट्राइक दिए हैं तो हमारा जो है ऑटोमेटिक फिल है पहले से, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ ही रहने दीजिएगा, अगर आपका कोई कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो माई सेल्फ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कॉपीराइट ऑनर नेम, जो भी इनका ऑनर है अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं या अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही ईमेल अपना डाल देते हैं, जो भी हमारा ईमेल है वो डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है अपने चैनल का नाम डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। उसके बाद आपको नीचे करना है, ठीक है, नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है कंट्री, तो कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा वो फिल कर दीजिएगा। तो हमारा जो है आदापुर पड़ता है, सिटी भी आदापुर पड़ता है, तो यहाँ अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एरिया का जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कंट्री का भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन है यहाँ पे भी आ सकता है सेम ऑप्शन। तो अगर ये आए तो ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडिया है, ठीक है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है स्टेट, तो ये स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर कंट्री आए तो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, किसी किसी में कंट्री भी आ जाता है, हम ऐसे देखे हैं बहुत से ऐसे केस में। उसके बाद यहाँ पे थ्री स्टेप में देखिए लिख रहा है रिमूवल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि उसे 7 दिन का नोटिस दें, यानी कि टाइम दें 7 दिन का, 7 दिन बाद वीडियो डिलीट हो और
कॉपीराइट स्ट्राइक लगे तो यहाँ पे 7 दिन का ऑप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आप जो है मतलब तुरंत रिमूव हो जाए, यानी कि जो भी है आपका रिव्यू करे यूट्यूबर तुरंत वीडियो को रिमूव कर दे और कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है आपको सिग्नेचर करना है, जो भी आपका नाम होगा रियल नाम होगा वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल दिए। नाम डालने के बाद दोस्तों सब कुछ एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है सबमिट, तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है कन्फर्म डेट योर नोट रोबोट ए रोबोट, तो यहाँ पे बता रहा है कि आप रोबोट नहीं है, तो यहाँ पे आई एम नोट रोबोट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्चिंग लेगा, अगर कैप्चर कोड आए तो भर देना, देख लेना जो भी मांगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए हमारा लिख रहा है कॉपीराइट कंप्लीट सबमिट, ठीक है। यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है इन प्रोग्रेस अंडर रिव्यू, यानी कि आपका जो है कॉपीराइट जो हम सबमिट किए हैं वो रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद उन पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक चला जाएगा, हमारा वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है पेंडिंग, दोस्तों डिलीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एक्टिव, ठीक है। तो ये जो है वीडियो हम एक्टिव है, ये जो है हम स्ट्राइक दिए थे पहले उनका वीडियो है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाता है, हम आपको दिखा देते हैं। पहले जो है स्ट्राइक दिए थे, तो स्ट्राइक लगने के बाद क्या दिखाता है दिखा देते हैं आपको। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है वीडियो अनअवेलेबल, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लाइम बाई अरमान राज, जो कि हम पहले कॉपीराइट दिए थे वो कॉपीराइट लग गया है। अब इस पे भी कॉपीराइट जब लग जाएगा तो ये भी ऐसे ही एक्टिव, यहाँ पे जो भी जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ऐसे उस पे भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और उन पे जो है वो वीडियो जो है इसी तरह जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी तरह उस पे भी लिखने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका जो है अगर कोई वीडियो अपलोड किया है तो आपका ये वीडियो देखकर उसका जो है वीडियो पे स्ट्राइक दे सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।